the most merciful and beneficial. Dear students, assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today's our lecture number 17. Subject है हमारा English का. Topic है reading. Unit number 2 हम लोगों ने start किया हुआ है. Unit number 2 का name है My Home and My School. इसकी story number 1 हम लोगों ने start की हुई है. उसका नाम है A Diary Page by a School. सबसे पहले आप लोगों ने English की book लेनी है. Page number 15 open करना है. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये फर्स्ट वाला पैसेज कंप्लीट कर लिया था. एक मर्तबा फिर मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ. आप लोगों ने फिगर रख लेनी है. आ डायरी पेज बाय आ स्कूल, पेज नंबर है 15. आई एम आ प्राइमरी स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी स्कूल, बिकॉज आल किड्स टेक केयर ऑफ मी, दे कीप मी नीट एंड क्लीन, दे डोंट क्रिएट मेस इन माई क्लासरूम, they don't throw wrappers around, they don't even spill out water on my floor. इसके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ कि इसमें कहा क्या है. उसने बताया है स्कूल है, वो कह रहा है I am very happy, I am a primary school, मैं एक प्राइमरी स्कूल हूँ. I am very happy school because all kids take care of me. कहते हैं मैं बहुत खुशहाल स्कूल हूँ क्योंकि सारे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझे नीट एंड क्लीन रखते हैं, वो कोई भी गंद नहीं फैलाते, ना ही क्लासरूम में शोर करते हैं, वो रैपर के नीचे नहीं फेंकते, ना ही वो नीचे मेरे फ्लोर के ऊपर पानी फेंकते हैं. ये था हमारा इतना पैसेज हमारी पिछले लेक्चर की रीडिंग का. आज हम इधर से पेज नंबर 15 से सेकंड वाले पैसेज से स्टार्ट करते हैं. आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई लुक वेरी क्लीन एंड मेंटेन्ड एज इफ आई एम न्यूली बुलेट अप. द होल क्रेडिट गोज टू द किड्स हु लव मी अ लॉट. पेज नंबर 15 था. आगे आप लोगों ने पेज नंबर 16 ओपन करना है. बिल्कुल इधर स्टार्ट से आपने देख लेना है, इधर फिंगर रखनी है. जो वर्ड मैं पढ़ रही हूँ उसी वर्ड पे आप लोगों की भी फिंगर होनी चाहिए. बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है. आई हैड 10 क्लासरूम्स, टू स्टाफ रूम्स एंड अ प्रिंसिपल ऑफिस एंड अ लार्ज प्ले एरिया विद शेडी ट्रीज ऑल अराउंड. इतनी आज के लेक्चर की हमारी रीडिंग है. एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को रिवाइज करवाती हूँ. पेज नंबर 15 पे दोबारा जाएं, फिंगर रखें दूसरे पैसेज पे. आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई लुक वेरी क्लीन एंड मेंटेन एज इफ आई एम न्यूली बुलेट. द होल क्रेडिट गोज टू द किड्स हु लव मी अ लॉट. आई हैव 10 क्लासरूम्स, टू स्टाफ रूम्स एंड अ प्रिंसिपल ऑफिस एंड अ लार्ज प्ले एरिया विद शेडी ट्रीज ऑल अराउंड. एक मरतबा मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको कर बताती हूँ कि आपको समझ आ जाए इस स्टोरी में है क्या. कहते हैं मुझे 10 साल हो गए, मैं 10 साल पुराना स्कूल हूँ, मैं आज भी बहुत ही नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा और मेंटेन हूँ, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं बिखरी, बिल्कुल बरकरार है मेरी वही शान और शौकत जो के पहले दिन थी. और कहते हैं कि इस तरह मैं नजर आ रहा हूँ जैसे कि न्यूली बुलेट, नया तमीर किया गया हूँ. कहते हैं सारा क्रेडिट, ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे बच्चों को जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से रखते हैं. नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे जाएं 16 पे. कहते हैं मेरे 10 क्लासरूम हैं, दो स्टाफ रूम्स हैं और एक प्रिंसिपल का ऑफिस है. और कहते हैं एक बहुत बड़ा लार्ज प्ले एरिया है, ग्राउंड है खेलने की और उसमें लगे हुए हैं शेडी ट्रीज, सायादार दरख्त इर्द गिर्द ऑल अराउंड. कहते हैं कि मेरे ग्राउंड में ऑल अराउंड जो है ना इर्द गिर्द दरख्त है जो कि शेडी ट्रीज हैं. अब मैं आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगी कि इन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है. सबसे पहले हमारे पास मेंटेन, एम ए आई एन टी ए आई एन ई डी, मेंटेन क्या है, मेंटेन क्या है, मेंटेन. पहले आप लोगों ने कहा एम ए आई एन मेन टी ए आई एन ई डी टेन, मेंटेन क्या है, मेंटेन क्या है, मेंटेन. आगे है क्रेडिट, सी आर ई डी आई टी क्रेडिट. ये आपको नजर आ रहे हैं इसके दो हिस्से बन रहे हैं, दो पार्ट हैं, सी आर ई क्रेडिट, डी आई टी डी क्रेडिट. क्या है
एग्जाम्पल, क्या है प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल, क्या वर्ड है प्रिंसिपल। आगे हमारे पास है शेडी, शेडी क्या है शेडी, एस एच ए डी वाई शेडी, क्या है शेडी। मेंटेन, क्रेडिट, बुलेट, न्यूली, क्लासरूम, प्रिंसिपल, शेडी, ये वर्ड जो मैंने डिफिकल्ट बोर्ड पे मेंशन किए हैं, आपने इन वर्ड्स के नीचे लाइन लगा लेनी है लेड पेंसिल से ताकि आपको पता चल जाए ये वर्ड मुश्किल है, हम लोगों ने बार बार पढ़ने हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।